गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो वर्णों वाले शब्द। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं, आप सब इनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। ठीक है, आपने ये पढ़े हैं। और देखो यहां पर मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं, यहां भी और यहां भी। अब हम यहां पे कुछ करने जा रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए ही है। और वो क्या है, यहां पर बीच में देखिए, बीच में इस वाले में हम इसके दो हिस्से कर देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हमने बीच में एक अक्षर लिखा है, क्या है ये, ल। और इधर लिखा है हमने र। ठीक है, तो यहां पर हम इसको नाम दे सकते हैं ए और इसको नाम देंगे बी। अब ए में से और बी में से अलग अलग आपको इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। और वो शब्द आप कैसे बनाएंगे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है मैंने सेंटर के अंदर ल, और इसके चारों ओर कुछ वर्ण लिखे हैं, जैसे च, न, प, ह, म, क, ख और फ। आपने इनसे ऐसे इनको मिला के इनको आपने शब्द बनाना, जैसे च ल, क्या बन गया, चल। ओके, अब इसको देख लेते हैं। यहां पे लिखा है र, और इसके चारों तरफ भी मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं, आप इनमें से एक जो शब्द बनाना है आपको, कैसे, जैसे न और र मिलने से क्या बन गया, नर। ठीक है, इसी प्रकार आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आप ट्राई कीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर ही आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप इनको नोट करें और इनसे दो दो वर्णों को मिला के आपने एक शब्द बनाना है। और उस शब्द को आप नोट करें, क्या शब्द बना है वो, और उसको अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, आपकी कक्षा का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको सब बनाओ और उसको उसकी फोटो खींच के उस ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। और स्क्रीन के शुरू में आपको मेरा नंबर भी दिया गया है, मेरे नंबर पर भी ये सब करके भेजे। ठीक है, तो बनाए इनसे चल, चल। और इधर से हम ले सकते हैं क, ल, क्या बनेगा, कल। ठीक है, तो आप इनको अलग अलग लिखिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। यहां से जैसे हम लेते हैं प, र, क्या बन गया, पर। इस प्रकार आपने इन सभी को मिला मिला के देखना है कि इनसे क्या नया शब्द जो है वो बनेगा। आपने सभी को मिला के देखना है, सभी के सभी जो वर्ड्स बनेंगे, जो नए शब्द बनेंगे, उनको आपने लिखना है और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।